हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मंगला निकोमल एंड वी आर स्टडिंग साइंस। वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाई डू वी नीड फूड। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड टू कीप अस फिट एंड हेल्दी, राइट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, मतलब हमारा खाना किस किस चीज से बना हुआ है वो, एंड डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, और ऐसी बीमारियां जो कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है वो मेनली हमारा फूड किस किस चीज से, किस किस कंपोनेंट से बना है। तो देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स: न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। नाउ यू विल से दैट मैम यू हैव शोन अस सो मैनी कंपोनेंट्स, इतने सारे कंपोनेंट्स आपने दिखाए हैं, तो डोंट वरी, यहाँ से लेकर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये जो 5 मैंने यहाँ पे शो किए हैं, दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा वाटर एंड रफेज। रफेज क्या होता है? डायट्री फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ये मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के। बट ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं? सो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी चीजें होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है उनकी ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स में से, चलो इन न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो आप क्या खाते हैं? फूड खाते हैं, लेकिन ऐसा फूड खाना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले, राइट, हमें ताकत मिले। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो जिस जिस फूड में होंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको एनर्जी गिविंग फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें से हमें एनर्जी मिलती है। मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी के लिए। ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन मेन 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में हमें मिलते हैं। उनका टेस्ट मीठा होता है, स्वीट होता है, और वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आपने देखा होगा ग्लूकोज की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी ना, अरे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है हम में अभी, तो अब क्या करें, और तुरंत आता है ये लीजिए ग्लूकोज पीजिए, है ना, राइट। सो ग्लूकोज जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट मींस इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत एनर्जी मिल जाती है। आप ग्लूकोज पिएंगे एंड विद इन मिनट्स आपको एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो होते हैं शुगर्स, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेन सोर्सेस कौन कौन से होते हैं शुगर के? मेन सोर्सेस यानी हमें शुगर कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहला तो ग्लूकोज से मिलती है हमको, दूसरा है केन शुगर, केन शुगर यानी कि जो चीनी आप खाते हैं वो, और तीसरा होता है फ्रूट्स। आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे जो कि मीठे टेस्ट में होते हैं, राइट, जैसे बनाना है, पपाया है, मैंगो, ग्रेप्स, ये जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा टाइप है? शुगर। इनमें से हमें शुगर जो है उसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरा है स्टार्च। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है।
कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, सिंपल नहीं बट बहुत ही जटिल बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है वो। और इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है प्लांट्स जो बनाते हैं उसको वो इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। प्योर स्टार्च जो होती है वो टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस यानी उसका कोई टेस्ट नहीं होता। दूसरा ओडरलेस होती है, ओडरलेस यानी कि उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है स्टार्च, ठीक है। वो क्या करता है स्टार्च, तो स्टार्च भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जितनी एनर्जी स्टार्च प्रोवाइड करेगा वो शुगर्स के कंपैरिजन में कम होगी, कम यानी कि स्लोली स्लोली मिलेगी हमें। जैसे शुगर्स पीते ही हमें कैसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जा रही थी, स्टार्च जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, धीरे धीरे एनर्जी देगा बट एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हम देखेंगे मेजर सोर्सेस ऑफ द स्टार्च। तो स्टार्च हमको किस किस में से मिलता है, स्टार्च हमें वीट में से मिलता है, राइस में से मिलता है, मेज में से मिलता है, बाजरा में से मिलता है, पटैटो में से मिलता है, स्वीट पटैटो में से मिलता है, इन सभी में से मिलता है। तो आप देखेंगे कि आप रोज रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, कभी मेज खा लेते हैं, बाजरा की भी रोटी पकती है वो भी खाते हैं, पटैटो होता है हमारी सब्जी में ऑलमोस्ट, स्वीट पटैटो भी हम खाते हैं। तो ये सारे जो है वो स्टार्च के सोर्सेस हैं, इनमें स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमें मिलता है। तो ये स्टार्च जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा बट एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेगा, इसीलिए तो हम रोटी खाते हैं रोज, है ना। अब दूसरा है न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐसे टाइप के मटेरियल होते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है, बॉडी जो है वो बिल्ड हो जाती है, अच्छे से मसल्स बन जाते हैं, ठीक है। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बॉडी का शेप और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो होता है, स्ट्रॉन्ग बनती है बॉडी। तो प्रोटीन्स जो है वही इसको इतना, ये सारा जो चीजें होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स खाने से हमारी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, हमें हमारी बॉडी अच्छे से बिल्ड होती है, इसीलिए हम ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन्स काफी ज्यादा अमाउंट में हो हम उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलेंगे। नेसेसरी जो है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी जो है होती है उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा तो रिपेयर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं बॉडी की, बॉडी में अगर कहीं पे डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है तो प्रोटीन्स जो है वो उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, या तो लोग होते हैं जो ओल्ड पीपल भी होते हैं, उन सबको प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने खाने में, डाइट में, राइट। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हमको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। प्रोटीन जो होता है वो दो पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है क्योंकि दो सोर्सेस हैं मेन। पहला है प्लांट सोर्स, जहां से हमको प्रोटीन मिलता है, प्लांट में से मिलता है, और दूसरा एनिमल्स में से मिलता है। तो पहले देख लेते हैं प्लांट में से हमें प्रोटीन किस किस चीज में से मिलता है। सबसे पहला है बीन्स यानी सोयाबीन, किडनी बीन्स, ये आपने सुना होगा, सोयाबीन सुना होगा राइट, और किडनी बीन्स यानी कि राजमा, है ना। तो इन सब में से हमको प्रोटीन मिलता है। दूसरा तो जो पल्सेस होती हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पल्सेस, उनमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि ग्राम, ग्राम यानी चना, मूंग, तुअर दाल, ये सारी जो दालें हैं पल्सेस, उनमें से भी हमको प्रोटीन मिलता है। तो पल्सेस किस में उगती हैं, प्लांट में उगती हैं, इसीलिए प्लांट सोर्स में डाला गया है।
नट्स जैसे कि आमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं। आमंड्स यानी कि बादाम, कैशू नट्स यानी कि काजू, ग्राउंड नट्स यानी कि वो सींग। तो इनमें से हमको प्रोटीन मिलता है और ये भी प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? इसीलिए इनको प्लांट सोर्सेस में डाला गया है। दूसरा है सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि अनाज, जैसे कि मेज है और वीट है, इनमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए ये सारे जो हैं वो हैं प्लांट प्लांट के सोर्सेस, जहाँ जहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है। नाउ लेट अस सी, एनिमल्स में से हमको प्रोटीन किस किस में से मिलता है? तो लीन मीट। लीन मीट यानी क्या होता है? लीन मीट यानी कि जिसमें फैट ना हो, ठीक है? जिस मीट में फैट नहीं होता है उसको लीन मीट कहते हैं, तो उसमें से हमको प्रोटीन मिलता है। फिश होती है जो उसमें से हमको प्रोटीन मिलता है। एग्स होते हैं, आपने देखे होंगे, राइट? उनमें से हमको प्रोटीन मिलता है। मिल्क हम सब पीते हैं सुबह, है ना, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और मिल्क के प्रोडक्ट्स, अब मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि चीज है, पनीर है, कर्ड है, इस सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें से भी हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है? तो ये सारे जो थे वो सारे जो सोर्सेस हैं उनमें से हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। और अगर हमारी बॉडी को किसी रिपेयर की जरूरत है या तो हमारी बॉडी को ग्रोथ की जरूरत है, तो हम प्रोटीन वाला खाना जो है, प्रोटीन रिच फूड ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और एक है प्रोटीन। वो दोनों कंपोनेंट्स हमने देखे, वो कहाँ से मिलते हैं, क्या होते हैं, वो देखा। अब इसके अलावा दो एक्टिविटीज हैं, सॉरी थ्री थ्री एक्टिविटीज हैं जो कि आपको देखनी है। आई विल सेंड यू द लिंक, आपको लिंक भेज दूंगी मैं। उसके तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खाने में अगर शुगर प्रेजेंट है तो हमको कैसे पता चलेगा कि शुगर प्रेजेंट है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। दूसरा, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। और तीसरा, कि खाने में प्रोटीन है कि नहीं है वो कैसे पहचाने, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज के लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगी जो आपको देखनी है और समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको वर्कशीट और लिंक दोनों ही भेज दूंगी। आपको अच्छे से वीडियो रेफर करना है और वर्कशीट के आंसर्स लिखना है। थैंक यू।